नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबर दिनभर में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। दक्षिण अफ्रीका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच गुरुवार को मुलाकात हुई। दोनों नेताओं ने बातचीत में की और मुलाकात और बातचीत के ब्रिक्स नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत से पहले हुई है। पीएम मोदी और शी जिनपिंग एक दूसरे का अभिवादन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को ब्रिक्स समिट को संबोधित किया। पीएम ने बैठक के दौरान हुई चर्चा पर भारत का पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स के विस्तार पर साथी देशों में सहमति बनी है। अर्जेंटीना और सऊदी अरब समेत 6 देशों को ब्रिक्स में नए स्थायी सदस्य के तौर पर शामिल किया गया है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत इस कदम का समर्थन करता है। सबसे पहले मैं राष्ट्रपति मेरे मित्र रामाफोसा जी को इस ब्रिक्स समिट के सफल आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। मुझे खुशी है कि 3 दिन की इस बैठक से कई सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। हमने ब्रिक्स की 15वीं वर्षगांठ पर इसका विस्तार करने का महत्वपूर्ण फैसला लिया है। जैसा मैंने कल कहा था, भारत ने ब्रिक्स की सदस्यता में विस्तार का हमेशा से पूरी तरह समर्थन किया है। फ्रेंड्स, अभी मेरे मित्र रामाफोसा जी ने भारत के मून मिशन को लेकर के ढेरों बधाइयां दी और मैं यहां कल से अनुभव कर रहा हूं, हर किसी से बधाइयां मिल रही हैं और दुनिया भर में भी इस सफलता को एक देश की सीमित सफलता के रूप में नहीं, लेकिन पूरी मानव जाति की एक महत्वपूर्ण सफलता के रूप में स्वीकार किया जा रहा है। ये हम सभी लोगों के लिए अत्यंत गर्व का विषय है और भारत के वैज्ञानिकों को पूरे विश्व की तरफ से अभिनंदन का अवसर है। भारत के चंद्रयान ने चांद के दक्षिण ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की। ये केवल भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के वैज्ञानिक समुदाय के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और जिस क्षेत्र में भारत ने अपना टारगेट तय किया था, वहां पहले कभी कोई प्रयास नहीं हुआ है और ये प्रयास सफल हुआ है, तो बड़ा डिफिकल्ट टेरेन के ऊपर विज्ञान हमें पहुंचा पाया है। ये अपने आप में विज्ञान की, वैज्ञानिकों की बड़ी सफलता है। इस ऐतिहासिक अवसर पर आप सबकी तरफ से मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर तंज कसते हुए कहा कि मुझे मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर भरोसा है, भले ही सीएम शिवराज सिंह चौहान कुछ भी कहें या कोई भी रिपोर्ट पेश करें, मध्य प्रदेश के आंकड़े किसी भी कलाकार से गुमराह नहीं होंगे। मुझे जो कुछ बोल ले, जो कुछ नाटक कर ले, जो भी रिपोर्ट बना ले, मध्य प्रदेश की जनता पर मुझे पूरा विश्वास है। आज मध्य प्रदेश के मतदाता किसी कलाकारी से गुमराह नहीं होंगे। भारत ने इतिहास रच दिया है। चंद्रयान 3 मिशन पूरी तरह से सफल हुआ है और भारत ने कुछ ऐसा कर दिया जो अब तक कोई देश नहीं कर पाया है। चांद के साउथ पोल पर लैंड करना काफी चुनौतीपूर्ण था और इसको लेकर कई देश आशंका जाहिर कर रहे थे, लेकिन इसरो ने इन तमाम आशंकाओं को दूर करते हुए बड़ी कामयाबी हासिल की है, जिसको लेकर अलग प्रतिक्रिया भी आ रही है। पूरे देश के लिए गौरव का क्षण रहा है और
हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोग देश के वैज्ञानिकों और माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई कल सबने व्यक्त किया, जिस तरह का उत्साह खासतौर से जम्मू कश्मीर के लोगों में दिखा वैसे ही पूरे देश में दिखा। ये पूरी मानवता के कल्याण के लिए जो G20 की हमारी थीम रही कल प्रधानमंत्री जी ने कहा, तो हमारा कोई भी वैज्ञानिक अभियान जब शिखर पर पहुंचता है तो केवल भारतवासियों को नहीं बल्कि पूरी मानवता की सेवा में हम जुटते हैं। चाहे वो हमारी वैक्सीन मैत्री रही हो, उसने भी देश के 100 दुनिया के 120 से ज्यादा देशों को हमने वैक्सीन दी है। सफलता इसरो की है, इट इज ऑब्वियस। और चंद्रयान ये तीसरा है बहुत सालों से। मेरे ख्याल से नेहरू जी वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, और उन्होंने हमेशा कहा था कि आप जो विज्ञान है, विज्ञान का हमेशा प्रसार होना चाहिए और देयर हैज टू बी अ साइंटिफिक टेम्पर टू इंडिया। और उसी लिए हम सब 60 साल से 70 साल से काम कर रहे हैं, और आज का जो सरकार है केंद्र में वो भी विज्ञान की बात कभी कभी करती है सिलेक्टिवली, सो वी वेलकम। और ये पूरा क्रेडिट ऑब्वियसली सरकार का कम और इसरो का ज़्यादा है। अभी मेरे घर में अगर आप मुझे बोले कि सुप्रिया खाना बहुत अच्छा पका है, जिसने पकाया उसको क्रेडिट देना है, आई विल ओनली बी अ पीकॉक विल से हाँ हाँ ठीक है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर के बयान के बाद बीजेपी हमलावर हो गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने मणिशंकर अय्यर के बयान को लेकर कांग्रेस और गांधी परिवार को निशाने पर ले लिया है। उन्होंने कहा कि ये शब्द मणिशंकर अय्यर के हैं लेकिन सोच गांधी परिवार की। मणिशंकर अय्यर गांधी परिवार के सबसे करीबी नेताओं में से एक माने जाते हैं। गांधी परिवार की बातों को ही मणिशंकर अय्यर अपने बयानों में व्यक्त करते हैं। मणिशंकर अय्यर फिर से प्रकट हुए हैं, उन्हें फ्रेंच एलिमेंट कहा जाता है लेकिन वो फ्रेंच एलिमेंट नहीं है। इस प्रकार के घमंड से भरे स्टेटमेंट्स और इस प्रकार घमंड से भरे नेताओं का हश्र क्या किया। 2024 का चुनाव आ रहा है, मुकुटमणि फिर से चमके, इस बार बोला ही नहीं किताब भी लिख डाला है, और एक विषय पे नहीं अनेक विषयों पे बोला है, मुख्यतः 3 P's, P1 परिवारवाद, P2 पक्षपात, हिंदुओं के खिलाफ पक्षपात, और P3 जिसके लिए घमंडिया के सारे नेताओं में होड़ लगी हुई है और लगेगी भी, पाकिस्तान। परिवारवाद, पक्षपात और पाकिस्तान, इन तीनों विषयों पर, और ये तीन विषय, ये जो घमंडिया अलायंस है, ये तीन विषय इस घमंडिया अलायंस के सबसे फेवरेट विषय हैं। 2019 के चुनाव से पहले गांधी परिवार के मुकुटमणि मणिशंकर अय्यर, उन्होंने फिर से कहा था, और उस बार पाकिस्तान में जाकर कहा था कि मोदी को हराना होगा, मोदी को हराना होगा, मोदी को हटाना होगा। ये वही मणिशंकर अय्यर है जिन्होंने 2019 के चुनाव से पहले घोषणा की थी और जिस प्रकार के भाषा का प्रयोग किया था और कहा था कि नरेंद्र मोदी एक नीच आदमी है, देश के तमाम लोग आश्चर्यचकित रह गए थे कि आखिर गांधी परिवार के सबसे नजदीकी व्यक्ति इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग प्रधानमंत्री के लिए कैसे कर सकते हैं। 2014 से पहले याद करिए, ये वही मणिशंकर अय्यर है जिन्होंने नाक भौं सिकोड़ करके नरेंद्र मोदी जी की तरफ देखते हुए कहा था कि नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री कभी भी नहीं बन सकता, बन सकते भी नहीं बोला, बन सकता, मोदी कभी भी देश का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, ज्यादा से ज्यादा अगर वो चाहे तो आके जो प्लेनरी सेशन और जो कांग्रेस का सम्मेलन हो रहा है दिल्ली में उसके बाहर टेंट लगा करके चाय बेचने का काम करे। नतीजा आप सबको पता है, देश की जनता ने नरेंद्र मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को थंपिंग मेजॉरिटी के साथ सरकार बनाया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में गुरुवार को प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक हुई। इसमें सर्विस एंड सेक्टर नीति सहित कई प्रस्तावों पर मोहर लगी है। नीति में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए कई अहम प्रावधान प्रस्तावित हुए हैं। बैठक में आगामी विधानसभा सत्र के 6 सितंबर से 12 सितंबर तक देहरादून में किए जाने का भी फैसला हुआ है।
वृद्धि जो है उसको भी 5% से लेके 7% किया गया। इसमें काफी लिक्विडिटी आपको निश्चिंतता मिलेगी। नहीं, कम किया गया, बढ़ाया किसी में नहीं गया, सभी में कम ही किया गया है। उसमें विभागों को नहीं, 5-7% तक विभाग कर पाएगा, पहले 10 था। अब विभाग को थोड़ा दिया है लीवरेज, को अपने लेवल पे निर्णय ले ले कहां वो 5 रखना चाह रहा है, कहां 6 रखना चाह रहा है, कहां 7 रखना चाह रहा है, पहले 10 था। महत्वपूर्ण बात था प्रदेश के लिए कृषि विभाग का, सेब की अति सघन बागवानी की योजना स्वीकृत की गई है। इसकी टोटल लागत है 808 करोड़ रुपये और ये 8 वर्ष के लिए चलेगी। जैसे आपको पता ही है हिमाचल में सेब का काम बहुत अच्छा होता है, J&K में भी अच्छा होता है, उत्तराखंड में जो क्षेत्र हिमाचल के साथ सटा हुआ है वहाँ तो सेब है, फिर भी वो हिमाचल से थोड़ा पीछे है। और इसकी पिछले 6 महीने में काफ़ी स्टडी की गई, मैकेंजी को भी लगाया गया और पूरा अध्ययन करके ये योजना बनाई गई है। इसमें 5,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल विभिन्न जनपदों का कवर किया जाएगा और 60% किसान को सब्सिडी दी जाएगी और 40% किसान ने अपना लगाना है। इसमें करीब 20% उसकी जो लेबर है वो कंपोनेंट आ जाता है और फाइनेंशियल कंपोनेंट का 20% उसको खुद लगाना होगा। और हिमाचल में आज की तारीख में सब्सिडी नहीं है और J&K में 50% है और इससे हमें पूरा यकीन है कि ये एक बहुत ही प्रदेश के लिए एक अच्छी योजना सिद्ध होगी। और इसमें जो अभी हमारी उत्पादकता 2.5 मेट्रिक टन प्रति हेक्टेयर है, इसको 25 मेट्रिक टन तक बढ़ने का अनुमान है। और करीब अभी जो व्यवसाय हमारे प्रदेश में करीब 200 करोड़ रुपए का सेब का व्यवसाय होता है, एक अनुमान के मुताबिक ये 2,000 करोड़ रुपये तक 8 साल के बाद जाने की एक संभावना है। अभी एक इम्पॉर्टेंट बात है विद्युत विभाग का, अभी जब कॉन्ट्रैक्टर वगैरह या जो सप्लायर होते हैं जो जब बिड डालते हैं तो अपनी परफॉर्मेंस गारंटी देते हैं, तो ये एक कॉन्ट्रैक्टरों से और सप्लायर से आ रहा था कि काफ़ी बड़ी रकम उनकी जमा हो जाती है और धनराशि ब्लॉक हो जाती है, तो जो छोटे कॉन्ट्रैक्टर हैं उनके लिए ये दिक्कत आती है और बड़ों को इससे फेवर मिलती है। तो कोविड में भारत सरकार में काफ़ी ये गारंटी वगैरह कम कर दी गई थी और प्रदेश ने भी उस समय कम कर दी गई थी, लेकिन वो सीमित समय के लिए थी। अब इसको परमानेंटली कर दिया गया है। जैसे निर्माण कार्य में 5 करोड़ के काम है, 5 करोड़ तक तो उसकी तो 5% दी जाएगी, अगर 5 करोड़ से बड़ा काम है तो उसको 5 करोड़ से कम करके 5% से कम करके 3% कर दिया गया है। तो इससे ठेकेदार का पैसा जो ब्लॉक रहता था वो काफ़ी कम हो जाएगा। और ये जो आपका सामग्री एंड सेवाओं की पूर्ति करते हैं ठेकेदार, उनको भी कम करके कुछ विभागों को इसमें शिथिलता दी गई है कि वो 3-10% तक वो 3 विभाग डिसाइड करेगा, जहां विभाग चाहता है कि मात्र 3% ही रखना है तो तब भी उसको कम कर सकता है। उपवास संस्था की तरफ से तीज उत्सव कार्यक्रम का पुलिस लाइन में आयोजन किया गया, जिसमें सीएम की पत्नी गीता धामी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान जहां नन्हे बच्चों ने कई प्रस्तुतियां दी हैं तो वहीं महिलाओं की तरफ से पारंपरिक लोक नृत्य भी किए गए। इस दौरान तीज क्वीन प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया, जिसमें तमाम पुलिस परिवार की महिलाओं ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि गीता धामी ने सभी पुलिस परिवार की महिलाओं को तीज की शुभकामनाएं दी, तो वहीं पारंपरिक लोकगीत में सुंदर नृत्य भी किया गया। अतिथि के तौर पर राज्यपाल उत्तराखंड की पत्नी गुरमीत कौर, DGP अशोक कुमार की पत्नी अलकनंदा अशोक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की पत्नी समेत तमाम स्कूली बच्चे भी मौजूद रहे। हिंदी
बहुत अच्छा जो है पुलिस लाइन में उपवा के द्वारा ये तीज के उपलक्ष्य में कार्यक्रम किया गया, और मैं सभी को तीज की और साथ में आठू सातू का आज पर्व है, मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और पुलिस के सभी लोग जो कि देश की सेवा कर रहे हैं, समाज की, प्रदेश की सेवा कर रहे हैं, और वहीं उनका परिवार भी जो है आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हो करके जो है अपनी अपने टैलेंट को जिन्होंने दिखाया है, और मैं सभी को बहुत बधाई देती हूँ। उत्तराखंड की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार लगातार काम कर रही है। उत्तराखंड के गठन से लेकर अब तक प्रदेश की महिलाओं का रोल राज्य के विकास के लिए विश्वसनीय रहा है। वहीं राज्य की बीजेपी सरकार महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए अलग अलग योजनाएं चला रही है, जिससे प्रदेश की महिलाएं अपना सर गर्व से उठा सकें। लेकिन कांग्रेस सरकार के जिसमें भाजपा ने 8 और कांग्रेस ने 5 महिलाओं को टिकट दिया। वहीं सरकार की तरफ से चलाई जा रही योजनाओं को लेकर बीजेपी अब महिलाओं से चुनाव में वोट मांगने जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियां सरकार के महिला सशक्तिकरण की नीतियों पर सवाल उठा रही हैं। इस योजना के माध्यम से उन सभी बहनों को मार्केटिंग जो है ब्लॉक स्तरों पे प्रोवाइड करेंगे, और वो अपने उत्पादों को जो है, जो बहनों को विशेषतया एक प्रॉब्लम रहता था क्योंकि मार्केटिंग उनकी प्रॉपर नहीं हो पाती थी, उनको खुद के स्तर से ही विपणन करना पड़ता था, तो अब उसके लिए सरकार एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दे रही है जिसमें महिलाएं जो है सभी उत्पादों को अपनी बिक्री करवा सकती हैं। तो सचिवालय में भी ये हमारा 24 कल से जो है शुरुआत हो जाएगी, और उसके बाद रक्षाबंधन तक ये पूरा चलेगा स्टॉल, और विभिन्न ब्लॉक स्तरों पे हम लोग ये प्रदर्शनियां करवाने जा रहे हैं। और लगातार आप देख रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने नौकरियों में भी महिलाओं को 30% का जो है आरक्षण दिया, विभिन्न योजनाएं जो है उनके सशक्तिकरण को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ये बहुत ही बड़ा, मैं कहूँगी कि रक्षाबंधन पर माननीय पुष्कर सिंह धामी जी एक भाई के रूप में बहुत अच्छा तोहफा महिलाओं को देने जा रहे हैं। ये फर्जी डायलॉग्स हैं। हाथी बरगला में मंत्री के घर के बगल में अभी 1.5 सप्ताह पहले एक लड़की का रेप होता है, उसका मर्डर हो जाता है। बीजेपी के किसान मोर्चे के अध्यक्ष ने हरिद्वार में क्या किया, आप सबने देखा है, जनता के दबाव में उस पर FIR बाद में होती है। उत्तरकाशी जनपद में अकेले 4 SC ST की बेटियों का बलात्कार होता है और उनको आज तक 1.5 साल में मुआवजा नहीं मिला है। ममता हत्याकांड, पिग्गी हत्याकांड, अंकिता हत्याकांड, कितने गिना। और खाली नारे लगे सशक्त करना, सशक्त तो ये
किसानों को भी कर रहे थे, जिसमें 700 किसान आंदोलन में मर गए और 5 किसानों को बीजेपी के एक मंत्री के बेटे ने अपनी गाड़ी से कुचल के मार दिया। और महिलाओं के सशक्तिकरण करने वाले बताए ना, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के संग दिल्ली में क्या किया है सबने देखा है। मणिपुर में आपने महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाने वाली आपकी सरकार, आपने कुछ नहीं किया, प्रधानमंत्री भी 2 महीने बाद बोलते हैं। तो ये सशक्तिकरण है क्या महिलाओं का, इन सब बातों को लेकर जनता जागरूक है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के महिलाओं को सशक्त करने के विजन से प्रदेश की महिलाओं को पंख लगने शुरू हो गए हैं। लोकसभा चुनाव में अहम मुद्दा महिला सशक्तिकरण रहने वाला है, जिसके लिए दोनों पार्टियों ने अपने वाद विवाद की तैयारियां पूरी कर ली हैं। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या मुख्यमंत्री महिलाओं के उत्थान का जिक्र कर उसे राजनीतिक हिस्सेदारी दिला पाते हैं, ये बड़ा सवाल है। तुषार गुप्ता, इंडिया वॉइस, देहरादून। और फिलहाल खबर दिन भर में इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।